भारतीय संविधान दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे संविधान चौक में हम सब बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी यहाँ पे आए हैं। आपको मालूम है कि भारतीय संविधान हमारे लिए एक अस्मिता का प्रतीक है, और जितना बेटे के ऊपर बाप प्यार करता है उतना ही संविधान के ऊपर हर बच्चा, हर महिला, हर नागरिक प्यार करता है, क्योंकि दबे कुचले लोगों को पहले न्याय नहीं मिलता था, और भारतीय संविधान की निर्मिति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करने की वजह से आज हम सम्मान से रह रहे हैं। हमको संवैधानिक अधिकार मिले, स्टैट्यूटरी पावर्स हमको मिले, और आज बोलने का, किस न्याय मांगने का अधिकार इस बाबा साहब अम्बेडकर जी के भारतीय संविधान से मिला है। नहीं तो आपने देखा होगा कि आज भारतीय संविधान की पायमल्ली होते हुए दिख रही है। आर्थिक आज़ादी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी, लेकिन आर्थिक आज़ादी खत्म करने का काम ये सरकार की ओर से हो रहा है आज। यानी कोई भी बैंक में पैसे नहीं मिल रहे, वो हमें भिखारी बनाने का काम इस देश में हो रहा है। इसलिए बाबा साहब बोलते कि मेरा संविधान कितना भी अच्छा होगा, लेकिन उसको चलाने वाले अगर ठीक नहीं होंगे, वो माटी मोल होगा, यानी मिट्टी से भी कम उसकी कीमत होगी, ऐसा ही हो रहा है आज। बाबा साहब का हर बच्चा अभी ये आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, और हमें नहीं मालूम था कि ऐसी आर्थिक तंगी आएगी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पूरी कोलैप्स हो गई है। इसका हम निषेध करते हैं, और भारतीय संविधान के दिन लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, लोगों को कपड़ा लेने को पैसे नहीं, लोगों को मकान मरम्मत करने के लिए पैसे नहीं, मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं। तो भारतीय संविधान ही हमको बचा सकता है, भारतीय संविधान ही हमको कल का आने वाला दिन अच्छा ला सकता है। इसलिए हम भारतीय संविधान के प्रति एकदम कटिबद्ध उसका समर्थन करते हैं, और यह जो प्रक्रिया शुरू है, ये भारतीय संविधान बदलाने की प्रक्रिया है, इसको हम कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको मालूम होगा पहले के दिन हम याद करते हैं तो एक नल के ऊपर पानी पीने के लिए बंदी थी, इतनी वर्ण व्यवस्था गंदी थी, जुबान काट दी जाती थी न्याय मांगने वालों की, इतनी न्याय व्यवस्था गंदी थी, इसका हम विरोध करते थे। और आज बाबा साहब के संविधान के वजह से हमें यह जीने का अधिकार, हम स्वाभिमान से चलते हैं और सीना तान के चलते हैं, तो ये भारतीय संविधान के वजह से। बाबा साहब नहीं होते तो हम न जाने कहाँ होते।